हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के सेट। गाइस, जितने भी गदर 2 के फैंस थे, सन्नी पाजी के फैंस भाई गदर 2 के ऑफिशियल ट्रेलर का वेट कर रहे थे ना, तो गाइस फाइनली उसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। तुसी तारा सिंह नु पहचान देने, दुश्मना नु पूछो कि तारा सिंह कौन है। गाइस यही डायलॉग भाई जब सन्नी पाजी बोलते हो नजर आते ना, तो धक धक मतलब क्या गूज बम खड़े होते हैं भाई। अगर आप ऑफिशियल ट्रेलर देखेंगे ना तो भाई सब, मैं लिटरली मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, फिक्स 5 बजे शेयर कर दिया गया था, लेकिन भाई जी स्टूडियोज ने उसे लिमिटेड कर रखा था, लेकिन जैसे 7:30 हुआ ना तो भाई उसे पब्लिकली कर दिया गया है। और जब मैंने ये ऑफिशियल ट्रेलर देखा, जिसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन था 3 मिनट 2 सेकंड का ऑफिशियल ड्यूरेशन है, जहां पर जो इसकी राइमिंग, जिस तरह से इसे एडिटिंग किया गया है, जिस तरह से बीजीएम बिठाया गया, डायरेक्टर अनिल शर्मा सर ने, मूवी की टीम ने, भाई वो सैल्यूट के लिए बनता ही है। तो आप बोल नहीं सकते कि आफ्टर 22 इयर्स के बाद भी इतना फिक्स कैसे भाई क्रिएट करा है। जब आप ये ऑफिशियल ट्रेलर देखें ना, तो भाई स्मूथली स्टार्टिंग होती है, स्मूथली स्टार्टिंग होती है, जहां पर भाई अपने सनी पाजी भाई डायलॉग मारते हुए नजर आते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है। देन उसी के बाद भाई उनका जो चिरंजीत लड़का है भाई साहब पाकिस्तान में इंटर होता, वहीं पर एक जनरल वहां पर बोलता भाई तेरा ही तो इंतजार था, जिस तरह से उसको मारते हुए नजर आते। वहीं पर भाई उनका सन यानी कि सनी पाजी का जो लड़का है वो बोलता है कि तारा सिंह को आप नहीं जानते। गए जब ये बोलता है ना भाई साहब, यार मतलब जमीन खसक जाती है, गूस बम खड़े हो जाते हैं कि तेरे इतने टुकड़े करेगा कि पाकिस्तान भी पूरा गिन नहीं सकेगा। आप भाई डायलॉग थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लीजिएगा। लेकिन गाइस जैसे ही भाई सन्नी पाजी की एंट्री होती है, भाई हाथ में हथौड़ा, एकदम रॉकी भाई वाला वाइब आता, और जिस तरह से मारा पीटी करते हुए नजर आते, और जब वो एक हथौड़ा हैमर मारते नजर आते तो एक ही गर्दन पूरी मतलब कि टूटती हुई नजर फिक्स तरीके से बताई जाती है। गाइस इस 3 मिनट 2 सेकंड के ऑफिशियल ट्रेलर में इतने आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं भाई, इतना आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं सनी पाजी, जो कि भाई लिमिटेड तो नहीं बोल सकते भाई, इतना हाई लेवल का पावर देखने को मिल रहा है। और जैसे भाई ऑफिशियल ट्रेलर का लास्ट सीन रहता तो वहां पर भाई हेड पंप पे उनकी नजर आती, जिस तरह से एक भूखे की रोटी पे नजर आती ना, तो उस तरह से भाई सन्नी पाजी हेड पंप पे नजर डालते ना, तो भाई साहब वो जो सीन था ना भाई इनक्रेडिबल लग रहा था। अनिल शर्मा सर को सैल्यूट बनता है, जिस तरह से उन्होंने इस ट्रेलर को एडिट किया है, रिप्रेजेंट किया है। गाइस बस बता, मुझे हंसी अपने आप पे ये आ रही कि भाई फिक्स 5 बजे शेयर कर दिया गया था, और आप मानेंगे नहीं, लिटरली 1 घंटे पहले मैंने ऑफिशियल ट्रेलर मेरे मोन्श्री रॉय ने मुझसे, मेरे जो यूट्यूब पार्टनर उनने मुझसे शेयर करा, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ये ऑफिशियल ट्रेलर, लेकिन ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ यार। ओके, लेकिन गाइस लिटरली गाइस ये ट्रेलर में इतना धमाकेदार, इतना ब्लास्ट एक्शन सीक्वेंस बताया गया ना भाई साहब, थिएटर में पता नहीं क्या होने वाला है, छत गायब हो जाएगी भाई थिएटर में। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं, सनी पाजी यानी कि गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आपने देखा या नहीं देखा, और नहीं देखा तो क्या करें भाई, यूट्यूब चैनल पे जी स्टूडियोज पे जाए और इजीली वॉच करो, और अपने गूज बम खड़े कर ले, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं, गदर 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को देखने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा भाई, गूज बम लिटरली टूटे ही होंगे, और आपकी क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में, आप इस मूवी का थिएटर में जाने का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, ट्रेलर कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।